के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए जीत की चादर पेश की गई है और उनकी जीत की दुआ मांगी गई है। हमने दुआ की है साबिर पाक के इस आस्थाने पे कि हमारा मानना है कि मेरे नबी ने फरमाया कि हमारे जो वली अल्लाह हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनके पास आकर खुदा से अगर हम दुआ करते हैं तो वो दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वो मकबूल दुआएं होती हैं। इसलिए हम साबिर पाक के इस आस्थाने में आए हैं और हमने साफ मन से यहाँ दुआ की है कि इस वक्त के दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जंग के कगार पर मुल्क खड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क की बागडोर मजबूत नेता के हाथ में होनी चाहिए। कोई कमज़ोर व्यक्ति आ गया तो देश की सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है। इसलिए हमने दुआ की है साबिर पाक के आस्थाने पे कि इस बार मोदी जी एक ऐतिहासिक जीत के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पे को संभालें, वो एक ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ आए, दोबारा वो प्रधानमंत्री बने। उत्तराखंड के अंदर पांचों लोकसभा सीटें हम युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक वोट से जीत के आए। हमने दुआ की है और जब जब हमने यहाँ की दुआ मांगी है वो तमाम दुआएं मकबूल दुआएं हुई हैं। साबिर पाक ने हमारी तमाम दुआओं को सुना है, हमें उम्मीद है कि ये वाली दुआ भी साबिर पाक ज़रूर सुनेंगे और एक बड़ी जीत के साथ मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और मुल्क की जिम्मेदारी को संभालेंगे, ऐसा हमारा मानना है। Oh, yeah.